पैसे थे तो शायद पाकिस्तान कुछ प्रोग्रेस भी कर जाता, लेकिन पैसे लेकर और पैसे खा जाना ये हमारे यहाँ बड़ी पुरानी रिवायत है और अभी तक चलती चली आ रही है। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान ने डबल गेम भी खेला। पाकिस्तान ने पैसे लिए अमेरिका से कि वो वॉर ऑफ टेरर लड़ा और वो साथ वो देता रहा तालिबान का। अभी भी पाकिस्तान तालिबान को मुबारकबादें दे रहा है, उन लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे बच्चों को मारा। वो कहते हैं चलो बच्चों को नहीं मारा, वो तो टीटीपी थी। तो टीटीपी कौन है भाई, वो भी नहीं कह सकता है। और पाकिस्तान की खुद पट रही है। पिछले एक हफ्ते से कितने मुर्दार हुए हैं ये लोग, दे डोंट केयर। अगर हम बात करेंगे जाहिर है अफगानिस्तान की, अभी लेटेस्ट वहां पे ब्लास्ट भी हुए हैं और फिर आईएसआईएस ने जो है वो कहा कि जी हमने किए हैं। किस तरफ ये सिचुएशन जाती हुई आपको नजर आ रही है? वैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई तरह का प्लान हो सकता है तालिबान और आईएसआईएस का, क्योंकि ताकि तालिबान को कुछ हमदर्दी मिल जाए। और अमेरिका ने उनको कहा भी है कि एक तरह से कि उनके साथ एलाय करने जा रहा है और उनको सपोर्ट करेगा तो कि वो गवर्नमेंट बना सकें। तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? साथ ही पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम आ रहे हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है और इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको पाकिस्तान पना देता है। ये बात हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं और कल फिर दोबारा से ये बात चल पड़ी है। किस तरह देखते हैं आप इस सबको? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया तो ये कह रही है कि हमें पाकिस्तान की जरूरत है, हमें पाकिस्तान के साथ काम करना है। अभी थोड़ी देर पहले एक अमेरिकी लॉ मेकर है, यूएस सेनेटर हैं लिंडसे ग्रहम, उन्होंने कहा है कि जी हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो बड़ा क्लोज कोऑपरेशन रखना चाहिए और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें असिस्ट किया है, इवैक्यूएशन की है यूएस सिटीजन्स की और उसके अलायंस की, और सारी यूरोपियन यूनियन तो हमें शुक्रिया अदा कर रही है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, आप लोगों ने हमारे लोगों को बचाया वहां से। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो दुनिया कह रही है, जो बाइडन हो या किसी भी अमरीकी या यूरोपीय अहदेदार ने किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। बस ये फैशन है, पाकिस्तान का नाम लोगे तो जरा दुकान चल जाएगी। इंडियंस भी कह लेते हैं, बहुत सारे अफगान्स भी कह लेते हैं जी पाकिस्तान करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है, तो फिर कहे ना वो मगरब वाले या वेस्ट वाले, अमेरिका कहे पाकिस्तान को, तो जारी बात है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आए पता चले स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट किसकी तरफ से ये बात आ रही है। सिर्फ हवा में ये बातें हो जाती हैं। आप देखें जो हमारे इंडिया मीडिया वाले हैं जिसमें मैं और आप जाते हैं अक्सर, वो भी कह रहे हैं जनाब कि अब वो उन्होंने नई बात शुरू कर दी, उन्होंने कहा जी ये जो आईएसआईएस है ये जो है ना ये बेसिकली पाकिस्तान की, उन्होंने कहा तालिबान तो अमेरिका के दोस्त बनते जा रहे हैं, अमेरिका कह रहा है जी तालिबान को मेन स्ट्रीम करें, वो तो तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बाइडेन ने कहा है कि जी हम आपके साथ जो है ना हमारी मदद करें दाइश को खत्म करने में, उन्होंने कहा ये क्या क्या हो गया, ये तो पहले तो अमरीका गालियां देता था तालिबान को और पाकिस्तान को और सारा होता था, तो अभी तो दाइश रह गई है पीछे, तो ऐसे करें दाइश के पीछे पड़ जाओ कि दाइश पाकिस्तानी है और पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। ये मेरा ख्याल है नोबडी इज बाइंग दिस स्टोरी। बड़ी क्लैरिटी है जी इसमें। देखिए पूरी दुनिया में, आरजू साहबा, पूरी दुनिया में जो स्टेट्स है ना वो अपने प्रॉक्सीज इंटरेस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है, पूरी दुनिया में। मुझे ये बताएं क्या सऊदी अरब जो है शाम के अंदर, इन सीरिया की बात कर रहा हूं, शाम के अंदर सऊदी अरब जो है वो दाइश के एफिलिएट ग्रुपों को सपोर्ट करता रहा, अलकायदा के एफिलिएट्स को सपोर्ट करता रहा। अब आप इमेजिन करें, और ईरान जो था वो दाइश के खिलाफ लड़ रहा था सीरिया में, लेकिन अमेरिका सऊदी अरब को सपोर्ट करता था, ईरान को नहीं करता था। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये मैं कोई नई बात नहीं सुना रहा, ये पूरी दुनिया को पता था कि इस शाम के अंदर ईरान जो है वो अमेरिका का नेचुरल पार्टनर है, नेचुरल पार्टनर, लेकिन अमरीकी सऊदीज की बात सुनते थे और सऊदी जो थे वो दाइश को और उनके एफिलिएट ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे डायरेक्ट नहीं। ठीक है जी, बंदे भी मरवा लिए, 30-40 साल जाया भी, मैं तो इसको जाया समझता हूँ, ये 40 ईयर्स डस्टबिन में चले गए, क्योंकि देखे ना आप इंगेज रहे हैं। मैं तो चाहते ही नहीं हूँ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ही नाम आए, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान का किसी और चीज में नाम आए। यार ये क्या अफगानिस्तान क्या चीज है यार, जान छोड़ो हमारी, मतलब वो तो एक है, हम उसके साथ कब तक अटैच रहेंगे। लेकिन ये तालिबान आरजू साहबा अमरीका ने नहीं बनाए थे क्या? क्या पैसा अमरीका ने नहीं दिया था, या सऊदी जिसमें इन्वॉल्व नहीं थे? लेकिन उनका कोई नाम नहीं लेगा। हाँ अमरीकी खुद मानते हैं
कि हमने ये किया है पाकिस्तान के साथ मिलके। दुनिया नहीं कहती उनको जी ये, अभी वो कहते नहीं, वो तो अभी लड़ रहे हैं ना उनके साथ, तो अभी पाकिस्तान जो है ना ये वो कर रहा है। पाकिस्तान की अपनी एक पॉलिसी थी। और आरजू साहब आप एक बात बताएं, टू बी फेयर, फॉरगेट व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग एंड फॉरगेट व्हाट, पाकिस्तान पिछले 18 साल से अमेरिका को एक ही बात कर रहा था, एक बात कह रहा था, कह रहा था ये जो गवर्नमेंट आपने खड़ी की है ना ये नहीं चलनी, कह रहा था कि ये जो आप अफगानिस्तान की फौज बना रहे हैं ना ये पैसा जाया कर रहे हैं आप। अब मुझे ये बताएं, ठीक है आप इल्जाम देते हैं जी पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, क्या सपोर्ट हमने करना था, वो खुद इतने मोटिवेटेड है, हमने उनको क्या मोटिवेशन देनी। मुझे ये बताएं एक दिन भी अफगान फौज खड़ी हुई है तालिबान के आगे, एक दिन भी नहीं खड़ी हुई। पिछले 1.5 हफ्ते में अफगानिस्तान के अंदर कौन सी चीज है जो सही चल रही है? पासपोर्ट ऑफिस क्लोज्ड, आईडी कार्ड ऑफिस क्लोज्ड, जितने भी इदारे हैं, बैंक्स हैं, सारे बैंक क्लोज्ड है दोस्तों। जी हाँ, लोग अपने पैसे तक नहीं निकाल सकते। छोटे मोटे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी खुल जाते हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो दोबारा बंद हो जाते हैं। पूरा बिजनेस रुका हुआ है, रोजगार रुका हुआ है, सब कुछ जैम पड़ा हुआ है। और यहाँ तक के पूरी दुनिया की तरफ से एक और अनाउंसमेंट हुआ है कि अफगानिस्तान पैसा भेजना या वहां से तो आएगा ही नहीं, जाहिर बात है, भेजना पूरा कॉम्प्लीट उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो हम आज करना चाहते हैं कि तालिबान चैलेंज करते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो अफगानिस्तान के अंदर बड़ा अमन होगा, बड़ी शांति होगी और अफगानिस्तान के अंदर एक फायर तक नहीं होगा, लोग बड़े सुकून से जिएंगे। तो आज हम क्या इनसे पूछते हैं कि इक्तदार में यही लोग हैं और गवर्नमेंट इन्हीं लोगों की है, कल ब्लास्ट किसने किए, आपके होते हुए ब्लास्ट कैसे हुए? हत्ता के लोग कहते हैं कि ये आईएस ने किया है। ठीक है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, जब आईएसआईएस की तरफ से कुछ होता था तो तालिबान के जो वाइस जो जो वाइस तर्जुमान है वो कहते थे कि ये खुद गवर्नमेंट के लोग हैं, ये खुद गवर्नमेंट करवाती है और नाम आईएसआईएस पे लगाती है।